कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने खुद को तोड़कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं। जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है? ताकि ये तमाम तलख हकीकतें तुम्हें उस तक वापस ले आए, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उसे मांगो और वो तुम्हारे लिए मौजज़े करे, तुम्हें बता सके कि कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती है, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती हैं, ताकि तुम उस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके फ़ोन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी हैं, सब्र करना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है।